जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज के हम वीडियो में बात करने वाले द्विघात साइकिल इंजन की जो प्रणाली होती है वो कैसे कार्य करता है, उसकी कार्यविधि समझेंगे। इससे पहले मैंने आपको फोर स्ट्रोक पहले बता दिया है, उसमें मैंने आपको इंजन की परिभाषा बताई थी, इंजन क्या होता है, उसके जो प्रकार होते हैं अंतादहन और बाह्यदहन, इसमें क्या अंतर है, सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। द्विघात जो है आपका द्विघात इसमें डिस्कस कर लेंगे, और चार घात वाला जो था यानी कि फोर स्ट्रोक वो पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये टोटल जो आपके दो क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे, दोनों से कोई ना कोई एक पूछा ही जाएगा आपसे, ठीक है? या तो दो घात पूछ लिया जाएगा या फिर फोर स्ट्रोक पूछ लिया जाएगा या फिर टू स्ट्रोक या फिर फोर स्ट्रोक, दोनों से कोई एक पूछा जा सकता है। आप लोगों में इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और बाकी आप लोग को जो न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं वो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, जो कृषि अभियंत्रण की प्लेलिस्ट है उसमें जाइएगा, न्यूमेरिकल वगैरह मिल जाएगा, वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्योंकि आप लोगों में दीर्घ में क्या आता है, एक न्यूमेरिकल आपका रहेगा एक थ्योरी का रहेगा, ऑप्शनल रहते हैं ना ज़्यादातर, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सारे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो न्यूमेरिकल पर आपकी पकड़ बननी ही चाहिए। अभी समय है, आप बना लीजिए पकड़, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं द्विघात समीकरण इंजन, जो हमारा द्विघात साइकिल इंजन जो है उसमें क्या क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है, तो यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है? देखो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, डायग्राम आपको मेरा मेन मोटो हमारा है डायग्राम आपको समझाना। जब डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा तो आप वहाँ पर बना कर लिख पाओगे, ठीक है? दिमाग क्योंकि आपको दिमाग में रहेगा डायग्राम, डायग्राम बना दोगे प्लस माइंड में तुम्हारे रहेगा कैसे कैसे सर ने बताया था, ये हमें लिखना है बस, और थ्योरी याद करके जाओगे लिख नहीं पाओगे, डायग्राम बनाना भी दिक्कत होगी। अभी तुम सिर्फ डायग्राम बनाना सीखो और उसमें जो है इसको बनाना सीखो, इसके जो इसका क्या नाम है ये सब लिख लिख लो बस, ठीक है? जो मैं डायग्राम में समझाऊंगा वो याद रखना, बस वही आपको वहाँ पर लिखना है, ठीक है? हालांकि मैं आपको थ्योरी यहाँ पर बताने वाला हूँ, थोड़ा सा देखिएगा इन इंजनों में क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो फोर स्ट्रोक इंजन होते हैं उसमें जो फ्लाई व्हील यानी कि जो हमारा क्रैंक शाफ्ट होता है ना, फ्लाई व्हील जो होती है वो जो है एक चक्कर दो चक्कर जो है उसमें पूरे लगाती थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा एक ही चक्कर में पूरी जो कार्यविधि यहाँ पर हो जाएगी, यानी कि एक ही चक्कर जो है पूरी फ्लाई व्हील का जो है, आप लोग देखते हो इंजन जो होता है उसके एक आगे होती है एक जो है पीछे होती है, फ्लाई व्हील जो पहिया होती है ना उसी को बोलते हैं फ्लाई व्हील या फिर, ठीक है? उसी को, ठीक है? उसके जो जो उसमें जो जिसके ऊपर वो बंधी होती है फ्लाई व्हील उसे हम क्रैंक शाफ्ट कहते हैं, उसे हम क्रैंक शाफ्ट कहते हैं। अरे भाई जब चक्की में जाओगे, चक्की सिंपल समझो, चक्कियाँ जो होती हैं, जो चक्की जहाँ होती है वहाँ पर देखोगे एक बहुत बड़ी पुली होती है, उस पर कई सारी घिरनी लगी होती है, ठीक है? एक बड़ी घिरनी होती है, उसके बाद कई सारी छोटी छोटी घिरनी लगी होती है, जिस पर वो लगी होती है ना वही क्रैंक शाफ्ट होता है, जिसके ऊपर जो लोहे का मोटा सा लोहे का होता है ना। अरे भाई ऐसे समझ लो यार, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, देखो ये जो रॉड होता है ना रॉड, ठीक है? अब इसी में जो है एक आगे फ्लाई व्हील होती है एक पीछे फ्लाई व्हील होती है, यहाँ पर ये पूरा जो है इसका इंजन होता है, ठीक है? ये जो रॉड है ना, ये जो रॉड यही क्रैंक शाफ्ट है, और जो लगी हुई पहिया है ये फ्लाई व्हील होती है, ये इसने हम फ्लाई व्हील कहते हैं, ठीक है? और जो ये लगी हुई है ये क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं। अब इसी में जो है पिस्टन आगे बना होता है, ये पूरा ये जो क्या ढक्कन का सिलेंडर है और इसके अंदर जो है पिस्टन होता है उसी जो है इसे ऐसे ऐसे लंबा लंबा जो है मूवमेंट करता रहता है, ठीक है? चलिए अब देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्रैंक शाफ्ट का एक चक्कर अथवा पिस्टन के दो स्ट्रोक पूर्ण होती है। दो स्ट्रोक का मतलब है कि एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे आएगा, दो बार ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है? इसी बोलते हैं एक बार जाएगा एक बार आएगा, इसे टू स्ट्रोक बोलते हैं इसलिए, ठीक है? अर्थात इस साइकिल में केवल दो स्ट्रोक होते हैं, ठीक है? इसीलिए हम इसे द्वि स्ट्रोक या फिर द्वितीय स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं, द्वितीय स्ट्रोक के नाम से जानते हैं, दो भागों में से हम बांट देते हैं। इतना आपको समझ में आ चुका होगा आई होप। अब देखिएगा इसमें जो प्रथम हमारा स्ट्रोक होता है, जैसे इसमें लिखा है ना ऐसे आपको वहाँ पर भी लिखना है। प्रथम घात क्या होता है, इसमें पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। देखो मैं पहले आपको डायग्राम समझा देता हूँ, उसके बाद थ्योरी बच लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले डायग्राम समझेंगे कैसे कैसे डायग्राम में होता है, ठीक है? तो यहाँ पर डायग्राम समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर क्या है कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक है? जैसा कि आप लोग चार घात में पहले पढ़े थे, इनटेक, पहले इनटेक हुआ था, फिर कंप्रेस हुआ था, फिर पावर आया था, फिर एग्जॉस्ट हुआ था, ये चार स्टेप वहां पर थे। लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, उन चारों को समराइज करेंगे दो में, क्योंकि यहाँ पर टू स्ट्रोक होने वाले हैं, ठीक है? देखिएगा यहाँ पर जैसे कंप्रेस, यहाँ पर क्या होगा, इसमें इनटेक भी एक साथ हो जाएगा और कंप्रेस भी एक साथ होगा। इनटेक यहाँ पर दूसरी चीज, यहाँ पर अंतर क्या है सबसे बड़ा, यहाँ पर वाल्व नहीं होते हैं क्या? यहाँ देखो कहीं तुमको अब वाल्व नहीं दिख रहे ऊपर, वहां पर मैंने आपको बताया था यहाँ पर दो वाल्व थी, ठीक है? एग्जॉस्ट और इनलेट, ठीक है? एक तो तेल को लाने के लिए, वायु को लाने के लिए, और एक जो है जो धुआं होता है उसे निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है आपकी वाल्व नहीं पाई जाएंगी, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपके जो यहाँ पर देखिए ये पोर्ट होते हैं, ये जो पोर्ट होते हैं ना, इस पोर्ट के द्वारा जो है धुआं निकलता है बाहर, ठीक है? और यहाँ जो दिख रहे हैं यह पोर्ट,
ये जो पॉइंट है, यहाँ से जो है एयर जो है अंदर ली जाती है, यहाँ से एयर जो है अंदर ले ली जाती है। तो देखो यहाँ पर क्या है, कंप्रेस स्ट्रोक इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ से हवा भी आ रही है, इनलेट भी हो रहा है, यानी कि जो हवा वगैरह है वो भी अंदर आ रहे हैं, तो इनलेट का काम भी यहीं से हो रहा है। ठीक है, जब इनलेट, इनलेट का मतलब अंदर लेना, ठीक है, इनलेट का काम यहीं से हो रहा है और यहीं से जो है पिस्टन ऊपर की तरफ हो रहा है, ऊपर दबा रहा है। ठीक है, तो ये कंप्रेस भी ऊपर कर रहा है। ठीक है, ये क्या है कर रहा है, कंप्रेस भी ऊपर कर रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कंप्रेस अब ऊपर कर रहा है, कंप्रेस करेगा तो ये कंप्रेस स्ट्रोक इसे बोलेंगे। ठीक है, यानी कि ऊपर को दबा रहा है ना उसमें। ठीक है, दूसरा क्या होगा, जब यहाँ कंप्रेस करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, कसके एनर्जी पैदा होगी, क्या होगी, एनर्जी तैयार होगी यहाँ पर। जो एनर्जी यहाँ पर तैयार होगी, जब एनर्जी यहाँ पर तैयार हो जाएगी तब क्या होगा कि जो एनर्जी, अब ये उस पर जो एनर्जी वहाँ जो पावर जनरेट होगा तो उस पर पिस्टन पर दबाव डालेगा कि वो नीचे की तरफ जाए, कैसे, नीचे की तरफ पुश करे। ठीक है, नीचे की तरफ पुश पुश करे, इसीलिए हम इसको बोले हैं पावर स्ट्रोक, इसीलिए हम इसको बोलेंगे पावर स्ट्रोक बोलते हैं। और तब जाके जो है पिस्टन फिर से जो है नीचे घूम जाता है, घूम जाता है ना, तो ये फिर से ऐसे घूम जाता है। दूसरे में क्या होगा, जब ये नीचे, ये और नीचे आएगा, देखो यहाँ पर पोर्ट बना है ना, और नीचे जैसे आएगा तैसे ही जो इसमें इस साइड दिशा जो इंटेक वाल्व होती है, ठीक है, इंटेक वाल्व यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर इंटेक वाल्व भी देखेंगे और यहाँ पर एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, अब देखो जो ये यहाँ से है, अब जो इसमें जो गैस बनी होगी, ये जो ऊपर गैस बनी थी ना, ये गैस क्या है, ये बाहर इससे बाहर निकल जाएगी, जो गैस या धुआं बना होगा वो इस पोर्ट से बाहर की तरफ निकल जाएगा, और इनटेक का जो है यहाँ पर फ्यूल वगैरह जो फिर यहाँ पर आ जाएगा अंदर। ठीक है, यहाँ से फ्यूल जो है अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से फ्यूल भी अंदर आ जाएगा इस साइड से, इनटेक से यहाँ से भी आता है, यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ से भी आपका आता है, दो चीज़ें से आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखो ये कि जो है ये इस तरह बनाया गया है, हालांकि इसमें होते दो ही है, एक कंप्रेस स्ट्रोक, एक इनटेक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, या फिर इनटेक भी हो रहा है एक साथ और एग्जॉस्ट भी एक ही साथ हो जा रहा है। ठीक है, ये तो मैंने, ये जो है इस तरह है। ठीक है, लेकिन समझ में यही भी आएगा कि यहाँ पर पावर जनरेट हुआ है, यहाँ पर पावर जनरेट हो चुकी है। तो ये चीज़ आपको इसमें समझ में आ चुकी होगी कि ये देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने में क्या होगा, इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो इनलेट भी है क्योंकि पहले से इसमें इनलेट हो चुकी है, ये पहले यहाँ पर देखो यहाँ पर ये बंद है, इस साइड में पूरा इधर से नीचे आने का कोई रास्ता है नहीं। ठीक है, पूरा बंद होता है। अब इधर से पहले तो यहाँ पर एयर चली जाती है, लेकिन यहाँ बाद में क्या होता है, जब इसको जब ऊपर जले देखा जाएगा तो इसको कंप्रेस करेगा, कस के दबाएगा, तो यहाँ पर जो है ज्वलन होगा उसका, मतलब इधर होगा उसका दहन होगा, जब दहन होगा, दहन होने के बाद इसमें प्रेशर क्रिएट होगा, तब ये पिस्टन को नीचे धकेलेगी, जब नीचे धकेलेगी, ठीक है, जब नीचे आएगा तो और पिस्टन जैसे नीचे आएगा, इसके जस्ट नीचे आएगा, वैसे ये वाला पोर्ट जो है ओपन हो जाएगा, और इस पोर्ट से जो धुआं वगैरह वो निकल जाएगा और यहाँ से इंटेक भी ले लेगा। ठीक है, ये चीज़ इसमें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, और फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी कि पूरी पहिया कितनी बार घूमी है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर वहाँ से यहाँ, मतलब जो स्थिति यहाँ पर थी वही स्थिति यहाँ पर हुई, यानी कि एक पूरी फ्लाई या पूरा जो एक चक्कर है पहिए के एक चक्कर लगाने पर, या फिर क्रैंकशाफ्ट का एक बार घूमने के द्वारा जो दूरी ली गई है ना, जो समय लिया गया है एक चक्कर में, वही जो है पूरे में जो होता है, मतलब कि हमारा जो दो स्ट्रोक होता है उसमें जो है क्रैंकशाफ्ट का एक चक्कर होता है। ठीक है, एक चक्कर पूरा किया जाता है, उसी में उसके दोनों स्ट्रोक हो जाते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। बस अब देखो संयोजी क्षण, आपको ये सब चीज़ें मैं कल प्रैक्टिकल दिखाया था, पिस्टन वगैरह लेकर आया था, आपको दिखाया था, ठीक, कल वाले वीडियो में, अगर नहीं देखे हो तो आप लोग देख लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा थ्योरी, थ्योरी क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, जो आपको याद रखना होगा, और कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे जो आपको नहीं समझ आते होंगे, मैं यहाँ पर समझा दूंगा आपको। देखो प्रथम घात क्या होता है, फर्स्ट स्ट्रोक, इसमें पिस्टन नीचे की ओर जाने के कारण बंद क्रैंक केस में दबाव घटता है, क्या होगा, इसमें दबाव घटेगा, दबाव घटने के कारण चेक वाल्व जो कि कार्बोरेटर से जुड़ी होती है, चेक वाल्व जो होती है वो कार्बोरेटर से जुड़ी होती है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, खुली जाती है और इस प्रकार मिश्रण क्रैंकशाफ्ट में भर जाता है। देखो ये वाला यहाँ पर बात हुई, यहाँ ये बता रहा है, ठीक है, चेक वाल्व जो कि कार्बोरेटर से जुड़ी होती है, इस प्रकार मिश्रण क्रैंकशाफ्ट में, जो मिश्रण होता है ना दो, जो वायु का और उसका, ठीक है, इसमें भर जाता है, जब सिलेंडर में पिस्टन टीडीएस को सीधी सीध में पहुंचने के होता है, यहाँ पर टीडीसी आया, यानी टॉप डेड सेंटर। देखो ये जो है यहाँ से ये पिस्टन का निचला हिस्सा, ये यहाँ तक है, ये जो हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक ये पिस्टन जाएगा, मान लो यहाँ तक पिस्टन जाएगा, तो ये होगा हमारा टीडीसी, ठीक है, टॉप डेड सेंटर, ये होगा बीडीसी, ठीक है, बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर, बीडीसी सुनते हो ना, जो प्रधान के नीचे होते हैं, इलेक्शन होता है ना बीडीसी का, देखो बीडीसी होगा एक टीडीसी, टॉप डेड सेंटर और नीचे बॉटम डेड सेंटर,
इनके बीच में चलता है। तो क्या है, जब सिलेंडर में पिस्टन टीडीसी की सीध में मतलब ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, टॉप में पहुंचने को होता है, तब पहले से दबे मिश्रण में आग लगकर पावर उत्पन्न होती है। अब इसमें क्या होगा, जब घिसके दाबेगा ना तो प्रेशर बहुत तेज होगा, जो उसमें जो है आग उत्पन्न हो जाएगी, यानी कम्बसन हो जाता है, जलने लगता है ईंधन, जो जलने लगता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, मिश्रण में जले जली मिश्रण की गैसें फैल कर पिस्टन की चारों ओर को ढकेलती, मतलब कि उसमें पिस्टन के अंदर जो जली हुई गैसें ना, अब उतना प्रेशर हो जाएगा, वो नीचे की तरफ ढकेलेंगी, वो सारे जो है नीचे पिस्टन को नीचे की तरफ ढकेलेंगी। जब नीचे की तरफ ढकेलेंगे तो क्या होगा, पावर जनरेट होगा, क्या पावर जनरेट होगा, पावर उत्पन्न होती है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, आपको क्या रखना है इसमें, दूसरा घात क्या होता है। अब बात करेंगे दूसरे घात की, कि दूसरे घात में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं, ठीक है। आपको हर एक स्टेप समझ में आनी चाहिए, मेन काम है आपका ये, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरा पढ़ाना क्या मतलब रह जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है जल्दी से, ठीक है। अब देखिए द्विघात या फिर सेकंड स्ट्रोक किसे कहते हैं, इसमें पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आता है। यहाँ पर ध्यान रखिए, देखो इसमें आप कैसे लिख सकते हो, एक पॉइंट ये रख लेना, पॉइंट वाइज लिखो, एक पॉइंट ये लिखना, पूरी थ्योरी से अच्छा है तो आप पॉइंट वाइज लिखना, ठीक है। इसमें पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आता है, पिस्टन के नीचे आने के कारण, ठीक, एग्जॉस्ट पोर्ट, जो एग्जॉस्ट पोर्ट वगैरह होते हैं, वह फिर इनलेट पोर्ट खुल जाते हैं। पहले क्या खुलेगा, एग्जॉस्ट पोर्ट, ये खुलेगा, सारी गैस बाहर निकाल देगा, उसके बाद इनलेट पोर्ट खुलता है, ठीक है, जिसके द्वारा जो है क्या, जो इनलेट मतलब कि जो वायु वगैरह लेने वाली होती है ना, वो अंदर आ जाती है, ठीक। एग्जॉस्ट पोर्ट में जली हुई गैस बाहर निकल जाती है, और बंद क्रैंक केस में प्रेशर बढ़ने के कारण चेक वाल्व बंद हो जाता है। चेक वाल्व जो है मैंने बताया था ना, चेक वाल्व जो साइड में था, ठीक, जहाँ से मिश्रण आया था, और था प्रथम स्ट्रोक में लिया गया मिश्रण अब इनलेट पोर्ट में सिलेंडर में पहुंच जाता है, और इस प्रकार जो है, इस प्रकार साइकिल का चक्र पूरा होता है। इस प्रकार जो साइकिल का चक्र पूरा हो जाता है, यानी इसमें क्या है, खाली पिस्टन ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। जब नीचे आएगा तो पहले एग्जॉस्ट पोर्ट खुलेगा, एग्जॉस्ट पोर्ट जब खुलेगा तो उससे क्या है, जो गैसेस है, ठीक है, वो बाहर निकल जाती हैं। उसके बाद जो क्रैंकशाफ्ट में जब नीचे आएगा, भाई नीचे भी प्रेशर दबेगा, जब ऊपर से नीचे आएगा तो नीचे की सारी जो चीज़ें हैं वो दबेंगे कसके, तो वो क्या करेंगे, जो चेक वाल्व था जहाँ से मिश्रण आया था उसे बंद कर देती हैं, और इसमें क्या होगा, चेक वाल्व बंद हो जाता है, तथा प्रथम स्ट्रोक में लिया गया मिश्रण अब इनलेट पोर्ट में सिलेंडर में, अब जो पहले से जो लिया गया था ईंधन, अब वो क्या होगा, वो ऊपर चढ़ जाता है, इसी साइड से ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। अभी जब डायग्राम देखना एक बार फिर से बताऊंगा तो आप और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ये चीज़ आपको द्विघात में याद रखना है, ठीक है, बस इतना ही है, ठीक है। इसे आप याद करना चाहो तो याद, इसके गुण है, याद करना चाहो तो कर सकते हो, ना कोई इसका कोई मतलब है का नहीं है इतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका द्विघात इंजन की विशेषताएं क्या होती है, विशेषताएं भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें क्रैंक केस बंद रहते हैं, यानी कि चारों तरफ से बंद रहता है डिब्बा में, एक मतलब डिब्बे के रूप में होता है, उसके अंदर से निकला होता है, ठीक है। इसमें वाल्व सिस्टम नहीं होता, इसमें वाल्व सिस्टम आपको नहीं बताया था, इसमें वाल्व नहीं होती, फोर स्ट्रोक में क्या था, वाल्व थी, ठीक है, दो वाल में आपको दिखाई थी कल, ठीक। सिलेंडर में छेद छूटे रहते हैं जो पिस्टन को ऊपर नीचे जाने में खुलते हैं, ठीक है, और बंद होते हैं, मतलब कि जो छेद खुले होते हैं उन्हीं के द्वारा जो इसमें जो होता है कि छेद खुले होते हैं उसके द्वारा जो ऊपर नीचे जो पिस्टन चलता है तो ये खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें दो स्ट्रोक में ही क्रिया पूर्ण हो जाती है, यानी दो स्ट्रोक में क्रिया पूर्ण होती है, वहाँ पर जो है चार स्ट्रोक, यानी चार जो है स्ट्रोक होते थे, तब जाके वहाँ पर दो बार जो है क्रैंकशाफ्ट पूरी पूरी घूमती थी, लेकिन ये कि यहाँ पर एक ही बार जो क्रैंकशाफ्ट घूमती है और दोनों स्ट्रोक इसके पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट है, ईंधन का क्रैंकशाफ्ट में होता है सिलेंडर, यहाँ पर देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ईंधन का मिश्रण क्रैंक केस में होता है, होता हुआ सिलेंडर में प्रवेश करता है, वहाँ पर क्या था, डायरेक्ट ऊपर से आता था, मतलब कि ऊपर जो, यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये समझ में आना चाहिए आपको। देखो ये कहने का मतलब वहां पर क्या है, वहां पर जो चार घात थी तो यहाँ पर ऊपर से आता था डायरेक्ट इसमें सिलेंडर में आता था, ठीक है, सिलेंडर में मिश्रण आता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कहाँ आ रहा, क्रैंक केस के अंदर आ रहा, ये क्रैंक केस है ना, तो यहाँ पर आता है, ठीक है, ये कहने का मतलब यहाँ पर, तब ये यहाँ से जाता हुआ ऊपर जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसी में, जो हमारी और था इसमें, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर, देखिए इसमें हल्के फ्लाई व्हील होते हैं, जो फ्लाई व्हील होते हैं वो काफ़ी हल्के होते हैं, जो पहिया होती है हल्की होती है। द्विघात इंजन के लाभ क्या है, ये कम स्थान करते हैं, बहुत कम स्थान करते हैं, जिससे कि हेस्पिटिया इंजन उसे बोलते हैं, उसे मान सकते हो इसे, ठीक है। इनकी रचना सरल होती है, देखो मैंने जो नाम लिया ना इंजन का, छोटे इंजनों का, हो सकता है अपने तुम्हारे यहाँ किसी और नाम से जाना जाता हो, ये हो सकता है, जो छोटे इंजन हो तो उसमें किया जाता है। प्रति आवश्यक
शक्ति होती है, मतलब कि प्रति अवश्य जो उसकी पावर होती है उसके बारे में बात की है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी द्विघात की हानियां भी कुछ होती हैं। ये अधिक टूट फूट जाते हैं, ठंडे होने पर अधिक समय लेते हैं। ये भाई जब उसमें दो स्टॉक में इतना तेजी से काम करते हैं ना, बहुत तेजी से करेंगे भाई, जहाँ चार चार बार दो बार घूमने में ऊर्जा पैदा होती थी, वहां पर जो है एक दो ही बार में घूमने में ऊर्जा पैदा हो रही। तो भाई जब ज्यादा चलेंगे तो टूटे फूटे के चांसेस ज्यादा रहेंगी। ठीक है, और जो एक बार अगर गर्म हो गए तो फिर ठंडे होने में समय ले लेंगे वो। ठीक है, ये सब चीजें होती इसमें। इनमें ईंधन की मात्रा जल गैसों के साथ साथ बाहर निकलती है, निकल जाती है। ठीक है, निकल जाती है। इनमें ईंधन की मात्रा जल गैसों के साथ बाहर निकल जाती है। ठीक, गैसों के रूप में बाहर निकलती है। दूसरी चीज है जल के साथ भी। दूसरी चीज ये, अगर इनकी स्नेहन कठिनाई होती है, इसमें जो लुब्रिकेंट होते हैं उनको डालने में कठिनाई होती है। दूसरा है इनमें ईंधन अधिक व्यय होता है, ये अधिक आवाज भी करते हैं। भाई इतनी तेज चलाओगे, ठीक है, द्विघात है ना, तो बहुत स्पीड में चलते हैं तो आवाज भी काफी ये करते हैं। ठीक है, अब बाकी आपका एक काम रहेगा कि द्विघात साइकिल और चतुर्घात में अंतर मैंने आपको दोनों पढ़ा दिए हैं, तो अंतर आप आसानी से कर पाओगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो अंतर आप लोग नोट डाउन कर लेना भाई, जिन तरीके से अंतर भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपको टॉपिक कैसा लगा, ठीक है, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को टॉपिक जो है वो कैसा लगा है। ठीक है, अगर इसी प्रकार के और चाहते हो दो तीन टॉपिक जैसे कि मैं करा दूं, जैसे कि एक था आपका जो क्या बोलते हो सीड ड्रिल में कैलिब्रेशन क्या होता है। ठीक है, और आपकी मोटर से काफी क्वेश्चन बनते हैं, मोटर का रखरखाव वगैरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये सारे टॉपिक पर ठीक है अभी वीडियो बनानी है। अगर आप लोग करोगे तो आप उस पर भी मैं बना दूंगा धीरे धीरे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, आप सभी अभी तक देख रहे हो। ओके, बाय, टेक केयर।